Make sure you subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest updates and information. Assalamu alaikum guys, welcome to another video. This is me Rizwan and you are watching Rizwan of the channel. Well, today's video I have a good great news for you guys. If you're living in UAE, this is very important video for you guys. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैट 2018 जो कि जनवरी 1 से जो है 2018 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ एरियाज़ यूएई के अंदर हैं जहाँ पे आपको वैट देना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर वैट नहीं लगेगा. देर आर सम एरियाज़ इन यूएई, तो उसके लिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिए. वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा वो सारी लिस्ट, वो तमाम एरियाज़ कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको वैट इम्प्लीमेंट नहीं होगा और वैट आपको नहीं देना पड़ेगा. तो वीडियो की डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. दीज 20 एरियाज इन यूएई आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वैट. तो 20 एरियाज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर वैट जो है वो लागू नहीं होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है. दीज एरियाज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वैल्यू एडेड टैक्स. ठीक है, तो वो एरियाज कौन कौन से हैं, उन एरियाज को जानने के लिए आपको वीडियो को डिटेल में देखना पड़ेगा और मैं डिटेल आपको बताऊंगा उस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एरियाज हैं. द फेडरल टैक्स अथॉरिटी ऑन वेनसडे अनाउंस्ड 20 डेजिग्नेटेड जोन विच वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड 5% वैट इन द कंट्री. तो फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने 20 डेजिग्नेटेड जोन्स आपको बताए हैं जो कि जो 5% वैट जिन पे लगा है, कंट्री में लगा है, वो उससे एग्जेम्प्ट हैं, उन पे जो है वो वैट नहीं लगेगा. वो 20 एरियाज कौन कौन से हैं वो आपको अभी पता चल जाता है. द डेजिग्नेटेड जोन्स आर स्पेशल जोन्स फॉर वैट पर्पजेज. जो डेजिग्नेटेड जोन्स किए गए हैं वो बहुत स्पेशल जोन्स हैं फॉर वैट पर्पजेज विच आर जनरली कंसिडर्ड आउटसाइड ऑफ द यूएई इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन. जो कि यूएई से आउट समझे जाते हैं वैट के, वैल्यू एडेड टैक्सेशन के मामले में यूएई से आउट समझे जाते हैं वो एरियाज. वाइल वैट अप्लाई थ्रू आउट द यूएई, वैट यूएई के अंदर अप्लाई किया जा रहा है. इन द डेजिग्नेटेड जोन्स वैट जनरली डज नॉट अप्लाई. तो जो डेजिग्नेटेड एरियाज मैं आपको बताऊंगा उनके ऊपर वैट नहीं है. ओनली फेंस फ्री जोन विद स्पेशल कंट्रोल्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज गोइंग इन एंड आउट कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस स्टेटस. तो जो के फेंस्ड जोन है, जो के प्रॉपरली फेंस्ड हुए हुए हैं, उनसे जो गुड्स इन आउट होती है वही एरियाज जो है वो बेनिफिट उठा सकेंगे इस एग्जेम्पशन से. एज एक्सपेक्टेड इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट फ्री जोन सच एज जफ्जा, डफ्जा एंड किजार्ड आर ऑन द लिस्ट. तो इन में कौन कौन से एरियाज पाए जाते हैं, जो मेन थ्री एरियाज मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा और भी एरियाज हैं. इन में थ्री मेन एरियाज में जफ्जा पाया जाता है, जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी, डफ्जा पाया जाता है एंड किजार्ड पाया जाता है. ये उन उस लिस्ट के अंदर ये एरियाज आते हैं जिनके ऊपर वैट जो है वो नहीं लगेगा. तो इसके अलावा कौन कौन से एरिया है, शायद आपका एरिया भी उस लिस्ट में आया हो, तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको वो कौन सा एरियाज हैं. He said any supply of goods within the notified designated zone or from one notified designated zone to another notified designated zone subject to necessary controls and procedures being followed and conditions of providing financial guarantee if required being met shall not be subject to VAT. तो सप्लाई की जो गुड्स सप्लाई करते हैं जो, तो एक डेजिग्नेटेड एरिया से दूसरे डेजिग्नेटेड एरिया में जो आपकी सप्लाईज हैं उनके ऊपर जो है वो वैट इम्प्लीमेंट नहीं होगा. ये वही डेजिग्नेटेड एरिया हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर वैट नहीं लग रहा है. ये कहना है फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है उनका कहना है. उसके बाद जो है वो डायरेक्टर MCA मैनेजमेंट कंसल्टेंट सेड द अनाउंसमेंट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू बिजनेस स्पेशली इन द हेल्थ केयर में जो है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस आएगा इससे और बहुत सा जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी, इसमें बेनिफिट्स होंगे कंपनीज को. द अदर लॉन्ग अवेटेड कैबिनेट डिसीजन इज ऑन मेडिकल सप्लाईज. सर्टन सप्लाईज ऑफ मेडिकेशन एंड मेडिकल इक्विपमेंट विच आर रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कैन बेनिफिट फ्रॉम अ जीरो रेट. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इक्विपमेंट और मेडिसिन इनके बारे में भी जो है वो इस न्यूज़ में बताया गया है फ्रॉम बेनिफिट फ्रॉम अ ज़ीरो. तो वो एरियाज़ मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे नहीं लग रहा पूरे यूएई के अंदर. अबू धाबी के अंदर आप चले जाएँ तो वहाँ पे फ्री ट्रेड जोन ऑफ खलीफा पोर्ट आता है, अबू धाबी एयरपोर्ट फ्री जोन आता है एंड खलीफा इंडस्ट्रियल जोन आता है. तो यहाँ पर आपका वैट 5% आपको नहीं पे करना पड़ेगा. उसके बाद जबल अली दुबई की बात करें तो जबल अली फ्री जोन नॉर्थ साउथ दुबई कार्स एंड ऑटोमोटिव जोन्स. ठीक है, दुबई टेक्सटाइल सिटी फ्री जोन एरिया इन अलकूज, फ्री जोन एरिया इन अलकोसेस,
दुबई एविएशन सिटी एंड दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, इन एरियाज़ के ऊपर भी वैट नहीं है। शारजा के अंदर अगर हम बात करें तो हमरिया फ्री जोन, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन, इन दोनों जगहों पे नहीं है वैट। उसके बाद अजमान में अजमान फ्री जोन के अंदर भी वैट नहीं है। उमुल कोएन की बात करें तो उमुल कोएन फ्री जोन, फ्री ट्रेड जोन इन अहमद बिन राशिद पोर्ट, ठीक है, एक जो एरिया हो गया। दूसरा एरिया ये है कि उमुल कोएन फ्री ट्रेड जोन ऑन शेख मोहम्मद बिन जैद रोड। तो उमुल कोएन के अंदर ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका वैट 2018 जो है वो नहीं होगा। ये एरियाज़ जो है वो एग्जेम्प्ट्स हैं, एग्जेम्प्टेड, दीज एरियाज़ आर एग्जेम्प्टेड फ्राम वैट 2018। ओके, अजमान की अगर हम बात करते हैं तो अजमान के अंदर अजमान फ्री जोन, दिस इज़ द ओनली प्लेस एंड एरिया वेयर देर इज़ नो वैट 2018। उमुल कोएन की बात करें, उमुल कोएन फ्री ट्रेड जोन इन अहमद बिन राशिद, शायद ये मैं पढ़ चुका हूँ। तो उसके बाद एक और स्टेट है मेरे माइंड में, वो आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं, रासल खैमा, सॉरी रासल खैमा के अंदर अगर आप रासल खैमा फ्री ट्रेड जोन देखें उसके अंदर आपको वैट नहीं है। रासल खैमा मैरीटाइम सिटी फ्री जोन देखें उसके अंदर वैट नहीं है। रासल खैमा एयरपोर्ट फ्री जोन देखें उसके अंदर भी वैट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद फुजैरा के स्टेट में जाते हैं, फुजैरा में कौन कौन से एरियाज हैं, फुजैरा फ्री जोन, फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन, इसके अंदर भी आपको वैट जो है वो नहीं पे करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड टेल मी इन द कमेंट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी जो है वो बारे में आपको वीडियो चाहिए, किसी भी बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या मेरी वीडियोस में चेंजेस देखना चाहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।